nights are getting shorter. Like of energy, I'll conquer in my soul. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दो लैपटॉप बैटरी, जो कि एक बैटरी हमारी 3.75 वोल्ट की होती है, तो ऐसी दो लैपटॉप बैटरी और एक नाइक्रोमायर जो कि हमारा हीटर में लगा होता है। तो फ्रेंड्स, एक नाइक्रोमायर और दो लैपटॉप बैटरी की मदद से हम एक ऐसा हीटिंग गैजेट बनाने वाले हैं जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को आसानी से जला सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये इतना छोटा है कि हम इसे आसानी से कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रिव्यू देखेंगे और फिर देखेंगे मैंने इसे कैसे बनाया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मिस्टर कूल एक्सपेरिमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वो चीज़। तो फ्रेंड्स, ये बैटरी सहायता चलता है और ये हीट होता है। तो आप इसका प्रयोग कई जगह कर सकते हो, लाइटर की तरह कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ऐसे पेपर जलाया है और फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कोई भी चीज़ तुरंत जल जाता है। तो ये इस प्रकार से काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसे आप अंधेरे में रोशनी की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हो। बस आपको एक बात का ध्यान देना होगा कि आपको इसको लगातार ज़्यादा देर तक नहीं चलाना, मतलब आप इसे 12 से 15 सेकंड तक ही यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसे लाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे ज़्यादा देर तक चलाते हो तो इसकी बैटरी हीट हो जाएगी, तो आपको इसे ज़्यादा देर तक नहीं चलाना। और फ्रेंड्स, आप इसे दिवाली के पटाखे भी जला सकते हो। तो फ्रेंड्स, मर्ज़ी आपकी, आप इसे जैसे तहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हो कई जगह। यदि आपके किसी से दुश्मनी हो तो फ्रेंड्स, आप उसका पिछवाड़ा भी जला सकते हो। तो मर्ज़ी आपकी, ये आपके ऊपर है। और फ्रेंड्स, आप इसका साइज़ देख रहे हो, ये बिल्कुल छोटा है, तो आप इसे आसानी से कहीं भी रख सकते हो। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमको दो लैपटॉप की बैटरी चाहिए और दो इस प्रकार की जिप टाई केबल। ये मैंने 2 रुपये पर पीस मार्केट से कर दिया। और जो हमारी घरेलू वायरिंग वाली जो वायर होती है, ये मैंने 2 इस प्रकार से कट कर लिया है। और एक नाइक्रोमायर जो कि हमारा हीटर में लगा होता है, तो उसे मैंने 18 रुपये मार्केट से खरीदा है। और एक इस प्रकार के स्विच। तो फ्रेंड्स, जब इसे हम को ऑन करना होता है तो बस हमें इसे पुश करना होता है, ये ऑन हो जाता है, और जब हम इसे छोड़ देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के स्विच चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप इस स्विच का प्रयोग मत करना, मैं आपको बताऊँगा आगे क्यों। तो सबसे पहले हम वायर को इस प्रकार से ऊपर से कट कर लेते हैं। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, मैंने दोनों वायर इस प्रकार से कट कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इस पर सोल्डिंग कर लूँगा। तो इसको हमें बैटरी के ऊपर इस तरह से लगाना है, इस प्रकार से, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बैटरी के ऊपर हमें वायर को इस तरह से लगाना है। तो मैं यहाँ पे पहले वायर पे थोड़ा सोल्डिंग कर लेता हूँ, फिर मैं इसे बैटरी के ऊपर लगा दूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, इसका एक वायर हमें बैटरी के प्लस पॉइंट पे लगाना है और दूसरा वायर जो है बैटरी के माइनस पॉइंट पे लगाना है। तो मैं यहाँ दोनों वायर को लगा देता हूँ, एक हमारा प्लस पे लगेगा और दूसरा माइनस पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों वायर्स को यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अब इन दोनों वायर्स को हमें मोड़ के बैटरी के ऊपर चिपका देना है। तो इस प्रकार से हमें इसे मोड़ना है, ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से मोड़ के हम इसे बैटरी के ऊपर ग्लूगन से चिपका देंगे ताकि ये अपनी जगह से न हिले। तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा ग्लूगन लगाना है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा बीच में, इस प्रकार से, क्योंकि फ्रेंड्स आगे हम इसे और भी मजबूत करने वाले हैं, ये पूरी तरह से ग्लूगन पर नहीं टिकेगा। तो मैं इसे केवल सपोर्ट के लिए लगा रहा हूँ ताकि ये थोड़ी देर के लिए चिपका रहे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दोनों बैटरी पर लगा दिया है। तो अब इन दोनों बैटरी को हम ग्लूगन की मदद से आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बीच में ग्लूगन लगा दिया और इन दोनों बैटरियों को आपस में इस प्रकार से जोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, अब इसे और मजबूत करने के लिए हम ऊपर से जिप टाई केबल लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने 2 रुपये पर पीस के हिसाब से मार्केट से लिया है। तो फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर मिल जाएगा, बस शॉप अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक ऊपर और एक नीचे लगा दूँगा। तो सबसे पहले मैं ऊपर लगा देता हूँ, तो आपको इसे थोड़ा टाइट रखना है। तो मैं इसे थोड़ा टाइट कर देता हूँ अच्छे से, बिल्कुल, ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से टाइट होगा। तो ऊपर मैंने लगा दिया, अब एक नीचे भी लगा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, इनको लगाने के बाद जो हमारे बचे हुए हैं उसे मैं काट दूँगा एक्स्ट्रा, तो मैंने उसे काट दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ बीच में एक स्विच लगा दूंगा।
तो फ्रेंड्स आपको स्विच नहीं लगाना है, आप स्विच का इस्तेमाल मत करिए। मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि आप स्विच की जगह क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप इसे चलाते हो तो स्विच हमारा प्लास्टिक होता है और वो गर्म होकर ख़राब हो जाता है, तो आप स्विच मत यूज़ करिएगा। तो मैं अभी यहाँ से इसे हटा दूँगा, तो मैं आपको इसे ऑन करके एक बार दिखा दे रहा हूँ ये वोल्टेज कितना देता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 7.44, एक बैटरी हमारी 3.75 वोल्ट देती है और दो बैटरी आप देख सकते हैं 7.44 दे रही है लमसम, ये उतना है लगभग बैटरी हमारी फुल चार्ज है। तो अब फ्रेंड्स हमें यहाँ पे नाइक्रो वायर लगा देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नाइक्रो वायर काफ़ी छोटा लिया है, तो आप इसे भी आपको थोड़ा बड़ा लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी काफ़ी छोटा है, दो बैटरी से ये गल जाएगा, तो मैंने इसे भी लास्ट में चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स आपको इसे लगाना कैसे आप बस इसे देख लो, आपको इतना छोटा नहीं लगाना, मैं उसे चेंज कर दूँगा। तो सबसे पहले जो हमारे ऊपर के एक्स्ट्रा वायर हैं जो प्लास्टिक की कवर चढ़ी उसे मैंने हटा देना है, तो ये मैंने हटा दिया है। और नाइक्रो वायर को हमें इस तरह से लगाना है। फ्रेंड्स इसे कैसे लगाना है ये आप देख लो, क्योंकि ये आपके काम देगा। तो फ्रेंड्स नाइक्रो वायर के ऊपर हमें इसे 3 राउंड इस तरह से घुमा देना है, और जो हमारे एक्स्ट्रा वायर है उसे हम कट करके निकाल देंगे, और फिर इसके ऊपर हम नाइक्रो वायर को मोड़ के इस प्रकार से इसके ऊपर फिट कर देंगे, ताकि ये हमारा अच्छे से वायर को पकड़ ले। तो इस प्रकार से जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से जोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स अभी ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। फ्रेंड्स आप यहाँ सोल्डिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सोल्डिंग करोगे तो सोल्डिंग गल जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ इसे लगा देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने दोनों लगा दिया है, तो अब मैं इसे थोड़ा ऑन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स ये अभी काफ़ी पावरफुल है, तो इससे मेरी स्विच भी ख़राब हो गई और वो भी हमारा नाइक्रो वायर भी जल गया। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इसे बनाया, तो ये हमारा मजबूत है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने काफ़ी लंबा नाइक्रो वायर ऊपर लिया है स्प्रिंग की तरह जो है, और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच की जगह मैंने फ्रेंड्स इस यहाँ पे एक तांबे की वायर इस प्रकार से लगा दी है। फ्रेंड्स इसमें मैंने एक तरफ सोल्डिंग किया है और दूसरी ओर मैंने इसे खुला छोड़ दिया है, तो जब भी हमें इसे चलाना होता है तो हम उंगली से इसे सटा देते हैं, तो ये हमारा चलने लगता है। तो इस प्रकार से ये काम करता है, और पीछे फ्रेंड जैसा कनेक्शन था वैसा ही होगा, बस आगे हमें स्विच की जगह इसे लगा देना है और नाइक्रो वायर को चेंज करके थोड़ा लंबा नाइक्रो वायर लगा देना है। तो चलिए अब इसका टेस्ट लेके देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये इस प्रकार से काम करता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी जल्दी से चीज़ें बर्न हो जाती हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसे बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स इसके साथ थोड़ी मस्ती हो जाए, तो यहाँ पर मैं एक पीवीसी पाइप ले ले रहा हूँ, और मेरे पास कुछ मिर्ची बम है, तो मैं इसे इनमें डाल देता हूँ और फिर मैं इसे ऊपर से आग लगा दूंगा। तो अब मैं इस पे थोड़ा सा पेट्रोल डाल देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि अंदर उतना आग पकड़ेगी नहीं ऊपर से, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा पेट्रोल डाल दिया है। तो अब मैं यहाँ पे कागज़ में आग लगा के इसके अंदर डाल देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।